वेलकम बैक टू द चैनल दिव्यदास। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जो नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक चलेगा। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है ये। यहाँ पर ना गाइज, आज मेरा पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, और जिस दिन हमारे घर में चना वगैरह का नाश्ता होता है तो उस दिन तो ज़रूर पानी पूरी इवनिंग में बनती ही है। तो यहाँ पर मैं अनियन को चॉप कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड ने वही चना का सैलेड खाया था उन्होंने भी, और उनका थोड़ा डाइटिंग वगैरह ही चल रही है क्योंकि वो अभी वेट लॉस कर रहे हैं। तो वो एक टाइम अच्छे से खाते हैं, दूसरे टाइम वो कुछ लाइट खाते हैं, रात में इतना कुछ हैवी नहीं खाते हैं। मॉर्निंग में अच्छा हैवी खा लेते हैं वो, मॉर्निंग में भी नहीं मतलब आफ्टरनून में, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं देन आफ्टरनून में खाते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैंने अनियन और चने को भी इसी में चॉप कर लिया, और साथ ही साथ मैं पोटैटोज़ को भी इसी में चॉप कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा चॉपर है ये, हमने इंडिया से अमेज़ोन से लाए हैं, ख़रीदा है, अमेज़ोन से मंगाया था मैंने। और इंडिया से क्या क्या सामान आया है, कुरियर से मंगाया, उसका मेरे को वीडियो बनाना है सेपरेट, और मैं जल्द ही जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत सारा सामान दिवाली के टाइम पर मंगाया था, बट दिवाली के बाद ही वो हमको मिला। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली है, और इसमें अनियन, चना और आलू है। यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, एंड सॉल्ट के साथ यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, मैं अपने लिए बना रही थी चूँकि क्योंकि मुझे मिर्च इतनी पसंद नहीं है, तीखा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं करती हूँ। और ज़्यादा अभी कोविड के कारण इतना वॉक वगैरह भी नहीं हो पाता, तो स्पाइसी मसालेदार खाना मैं भी और मेरे हस्बैंड भी हम दोनों बहुत अवॉइड करते हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी किसी तरीके के ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ ना हों। तो बस ये था। एंड यहाँ पर ना हरी चटनी हम लोग पहले से ही बना कर रखते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड इमली है जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी होती है। साथ ही साथ ये जो चटनी बना कर रखी है हम लोगों ने, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें बाकी के मसाले वगैरह ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, चाट मसाला, और ये खट्टा मीठा पानी ना बहुत टेस्टी लगता है। एंड देन थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है, अब शुगर मैं थोड़ी ज़्यादा ऐड करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे को जल्दी बनानी थी कि शुगर जल्दी मेल्ट हो जाती है, इस चक्कर में मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर थोड़ी ज़्यादा करी है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इमली का जो है बना बनाया पेस्ट, वो थोड़ा ज़्यादा मतलब खट्टा है, इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट का पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये पानी। और इस तरीके से अगर आप बना कर ही सब कुछ चीज़ें रखे रहे ना, ये चटनी वगैरह ऑलरेडी हम बना लेते हैं हम लोग, खूब सारा पुदीना हरा धनिया मिलाकर, तो बहुत टेस्टी लगता है ये और इजी हो जाता है। यहाँ पर अब मैं क्यूमिन पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये पाउडर फॉर्म में था क्यूमिन। अधिकतर मैं क्या करती हूँ, रोस्ट कर अगर ऐड करो ना क्यूमिन, बहुत टेस्टी होता है। ये पाउडर फॉर्म वाला तो ऐसा लगता है कि बिना रोस्ट किया ही होता है ये, तो बहुत टेस्टी लगा। बाद में ये बनी बनाई पानी पूरी का पैकेट आता है, इसको ना एक मिनट अगर आप माइक्रोवेव कर लें तो बहुत ज़्यादा कुरकुरी पानी पूरी बनती है, बिल्कुल ना मार्केट जैसी गरम गरम कुरकुरी, और बहुत क्रिस्पी हो जाती है ये पानी पूरी, बस एक मिनट माइक्रोवेव करना रहता है, बहुत यम्मी बन जाती है। और ये मेरी पानी पूरी बन के तैयार है, रेडी है। और यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड, वो उन्होंने सैलेड बनाई थी खुद के लिए, चना सैलेड, तो वो दिखा रहे हैं कि वो ये खाएंगे चना सैलेड। तो यहाँ पर सब पूरा प्रिपरेशन इज ऑल डन, नाउ वी विल एंजॉय अवर पानी पूरी। पानी पूरी खाने के बाद आयु ने बहुत सारी पानी पूरी जो थी वो कारपेट पे गिरा दी थी, पूरा मैश कर दिया था उसने। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये ऑन कर दिया था रोबो वैक्यूम, तो इससे ना फास्ट जल्दी से क्लीनिंग हो जाती है, टेंशन फ्री क्लीनिंग रहती है ये। तो ये उन्होंने ऑन कर दिया था और जल्दी जल्दी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। उसने पूरा क्रश कर दिया था, खा भी रहा था, बट उसे ना क्रश करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया था। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इवनिंग टाइम में डेली 1 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा वेट लॉस हो, इसलिए तो आगे का ब्लॉग नहीं कर पाई थी कंटिन्यू रात में। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ब्रेकफास्ट में परांठे बन रहे हैं हम लोगों के,
और अभी जस्ट मैंने वॉश किया है, हेयर वॉश वगैरह कर कर आई हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूरी ग्रॉसरी ना हॉश पॉश हो जाती है तो वो पूरा कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सिस्टमेटिकली वो पूरा जमा रहे हैं, क्योंकि मेरे पैर में, मेरा पैर में स्प्रेन आ गया था, बहुत हुई थी बस। और आयु ने ना जब वहाँ से ग्रॉसरी लेकर आया जहाँ उसके पापा क्लीन अप कर रहे थे, तो यहाँ से लाकर पूरा नमकीन यहाँ फिर से उसने कारपेट पे गिरा दिया। तो अब बस मैं उसको भी क्लीन करना है, वो भी मेरे हस्बैंड करेंगे, क्योंकि चलते बन नहीं रहा है और ये छोटे रोबो वैक्यूम से तो हो नहीं पाएगा, पहले उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो भाई सब खेल रहे थे तो मैंने सोचा उसका भी वीडियो थोड़ा बहुत बना लूँ। एंड बस अब उसको ये जो उसके बर्थडे पे चॉकलेट आई थी गिफ्ट में मिली थी, तो उसको वो खानी थी, उसे उसका पैकेट दिख गया वहाँ क्लीन अप हो रहा था ग्रॉसरी में से। तो उसको बोला कि एक पिक करो और एक पिक करके खाओ, तो उसने एक ही खाई है। वन एट अ डे बोल दो तो वो एक ही चॉकलेट खाता है इन अ डे, वो ऐसा ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और कभी कभी मूड आ जाता है तो सही में फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बस उसका टमी फुल होना चाहिए खाने से। अगर खाने से अगर टमी फुल है तो ये ऊटपटांग चीज़ें वो बहुत कम डिमांड करता है। और यहाँ पर बस वही क्लीनिंग चल रही है, आयु ने जो रायता फैलाया था बस वही क्लीन अप वगैरह हो रहा है। और यहाँ पर आयु अभी कटोरी वगैरह लेकर आ गए हैं खाने के लिए, बहुत यमी टेस्टी चॉकलेट है, बट हम लोग तो नहीं खाते हैं, आयु ही खाता है। और अभी मेरे को थोड़ा भूख सा लग रही थी, देन आयु अभी वॉक करने गया है उसके पापा के साथ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कोकोनट, वो सॉरी मिल्क बना लूँ। मिल्क मैं थोड़ा एक बनाना डालकर अगर पी लो तो थोड़ा सा पेट में हैवी हो जाता है, और आपको फिर ये रहता है कि ऊटपटांग चीज़ें खाने में मन, मतलब वो नहीं जाता है, मन नहीं जाता है, दिमाग नहीं जाता है, तो ये थोड़ा फीलिंग रहता है। स्मूदी इंजॉय कर रही हूँ, हेल्दी रहती है और फीलिंग रहता है बहुत ज़्यादा। अभी 3 बज रहे हैं, हम लोगों का लंच वगैरह सब हो चुका था 1 बजे, बट पालक की सब्जी थी और रोटी थी, थोड़ी स्पाइसी बनी थी सब्जी, तो मुझसे नहीं खिलाई, मुझसे स्पाइसी इतना खिलाता नहीं है, तो मैंने ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा बहुत ही खाना खाया, तो मुझे फिर से भूख लगाई, तो मैंने बनाना स्मूदी बना ली, तो ताकि फीलिंग रहती है। अनशन चीज़ें खाओ इससे अच्छा फ्रूट्स खा लो, तो वही मैं खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड गए हैं आयु को लेकर, अभी वॉक कराने के लिए लेकर गए हैं उसको, और वो लौटेंगे, और वो उनको भी आज ऑफिस है, और दोपहर का टाइम रहता है, ऑफिस वालों का काम रहता है, तो रोड पर भी कोई भी नहीं रहता, खाली पड़ी रहती कॉलोनी की रोड, तो वो मास्क वगैरह सब लगा कर गए हैं, और दोनों गए हैं, दोनों भी वो भी वॉक से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो पूरे कॉलोनी में 20 मिनट में राउंड लग जाता है उसकी कार से, तो बस वो भी एंजॉय कर आ जाएगा, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे एंजॉय करके। और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और अपनी बनाना स्मूदी एंजॉय करती हूँ। टिल देन आप लोग भी मेरे चैनल पे बने रहें, और न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारी लाइफ की आने वाली सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी कमेंट है, जो भी क्वेरीज है, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, आप प्लीज़ चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।